मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आसाम में ही नहीं पूरे देश में बहुत बड़े प्रमाण पर बहुत नेतागण अलग अलग पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। लोग कांग्रेस पार्टी और यूपीए से नाराज है। यूपीए वन और यूपीए टू, ये दोनों के लिए भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को अवसर दिया था, पर जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए थे वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। और वादे तो पूरे नहीं किए, पर दूसरी ओर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और महंगाई का सवाल आज देश में अहम सवाल मिला सवाल बना है, जिसके कारण देश की जनता के मन में बहुत क्रोध है। आज महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है, आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। प्लानिंग कमीशन में जो रिपोर्ट आए उसमें जो जानकारी भारत सरकार को मिली है उससे यह अनुमान उन्होंने किया है कि हर दिन हिंदुस्तान की 90% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम 20 रुपए प्रतिदिन से कम है। 50% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम $2 से भी कम है। और ऐसे स्थिति में मैं सोनिया जी से, मनमोहन सिंह जी से और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से सवाल पूछता हूं, जो गरीब है, जो गांव गरीब मजदूर किसान है, जो हिंदू है मुसलमान है, वो गरीब आदमी कैसे जी सकता है वो ही बताए। महंगाई के कारण तो हादसा इस प्रकार से हुआ है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा किसानों ने इस देश में आत्महत्या की है। महंगाई तो चर्चा इस प्रकार से हो रही है कि मेरे मोबाइल फोन पर एक SMS आया था। दो लड़कियां अपने कॉलेज के कॉरिडोर में खड़ी थी और एक लड़की अपने दूसरी लड़की सहेली से कह रही थी कि वो नीले शर्ट पहने हुए युवक को तुमने देखा है क्या? तो उसने पूछा, हाँ वहां वही खड़ा है, तुम क्या कहना चाहती हो? तो दूसरे लड़के ने जवाब दिया कि वो लड़का बहुत ही धनवान घर से आया है। तो उस लड़के ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि ये लड़का धनवान घर का है? तो उसने कहा, मैं जब उसके नजदीक से आ रही थी तो उसके मुंह को प्याज का बास आ रहा था और इसलिए लग रहा है कि ये धनवान घर का है। देखिए क्या नौबत आई है देश में। एक ने दूसरा SMS भेजा। एक पिता बड़े चिंतित थे क्योंकि उनके लड़की की ऊंचाई नहीं बढ़ रही थी। वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा, पैसा करो, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास जाइए, आपको कुछ जरूर उपाय बताएंगे। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास गए और उन्होंने पूछा कि क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे लड़की की ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, कुछ उपाय बताइए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा, इसका नाम बदल दीजिए, इसका नाम बदल कर महंगाई रख दीजिए, ऐसी ऊंची ऊंची होती जाएगी कि पता नहीं चल जाएगा। यह विनोद जरूर है पर हालत बहुत ही खराब है। महंगाई क्यों है? महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, इसका संबंध किसी व्यक्ति की जात, पंथ, धर्म और भाषा से नहीं है। इसका संबंध सरकार की गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट प्रशासन से है। भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ रही है। हिंदुस्तान के सरकार का बजट 10 लाख करोड़ का है, उसमें से 3 लाख करोड़
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समाज कल्याण गरीबों के लिए खर्चा होते हैं और आप ही मुझे बताइए कि इस देश में कॉमनवेल्थ गेम में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बना, पुराने स्टेडियम को रिपेयर किया गया, वो स्टेडियम के ऊपर जो कपड़ा था वो अमेरिका से लाया गया, उसकी सिलाई मेक्सिको में की गई, जो रोप थी वो जर्मनी से लाई गई और नट बोल्ट थे वो स्विट्जरलैंड से लाए गए, आर्किटेक्ट ऑस्ट्रेलियन, कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलियन, यहां तक संडास पर टाइल्स चिपकाने के लिए भी जो कामगार आए थे वो भी ऑस्ट्रेलिया से आए थे, हवाई जहाज से सामान आया और जो काम 100 करोड़ में होना चाहिए उस स्टेडियम पर 980 करोड़ रुपए खर्चा हुए, देश को लूटा गया। प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दीजिए, क्या यही पैसे से कितने लोगों के गांव को रोड बनते, कितने लोगों को पानी मिलता, कितने लोगों के लड़कों के युवाओं के हाथों में काम मिलता? आज गरीबों के साथ बेईमानी और विश्वासघात हो रहा है। 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला आगे आया, अब 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। यह आरोप नितिन गडकरी ने लगाया नहीं, वरुण गांधी ने लगाया नहीं, विजय गोयल ने लगाया नहीं, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने लगाया नहीं, तो केंद्र सरकार के संविधान में जो CAG है उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि 2G स्पेक्ट्रम में राजा ने घोटाला किया और 1,76,000 करोड़ का घोटाला 2G स्पेक्ट्रम में हुआ, देश को लूटा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट DMCO को आउटसोर्स कर दिया। DMCO के मंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा कि ये विभाग हमारा है, आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, पर प्राइस तय करने का अधिकार हमारा है, उसके टर्म ऑफ रेफरेंस में प्राइस का विषय आप मत डालिए, क्योंकि आपकी और हमारी जो चर्चा हुई थी उसके अनुसार हम इस बात को तय करेंगे। उसी समय अगर प्रधानमंत्री इसको रोकते तो 1,76,000 करोड़ का देश को चूना नहीं लगता, देश को लूटा जा रहा। विदेशी बैंकों में 22,00,000 करोड़ का काला धन है, और हिंदुस्तानियों के नाम जाहिर करो करके सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कांग्रेस सरकार को कहा, तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि इन चोरों का नाम जाहिर करने में राष्ट्र के हित में नहीं है। क्या खून करने वाले, बलात्कार करने वाले, चोरी करने वाले, गरीबों का खून चूसकर इस देश के 22,00,000 करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में रखने वाले, जिन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की, सेल टैक्स की चोरी की, एक्साइज की चोरी की, वैट की चोरी की, और इस देश के गरीब लोगों का धन विदेशी बैंकों में चुरा कर रखा है, उनका नाम जाहिर करने से राष्ट्रीय हित में कौन सी बाधा आती है, ये हमें समझ में नहीं आता। शायद बाधा ये जरूर आ सकती है कि अगर इनके नाम जाहिर हो जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मुंह काला हो जाएगा, इसलिए नाम जाहिर नहीं हो रहा है। पुरल ने कहा है ये कॉटरेची और मारिया कॉटरेची कौन है, उसके ड्राइवर ने लिखित रूप में CBI के सामने बयान दिया था कि मारिया और कॉटरेची दोनों को गांधी परिवार के घर में डायरेक्ट एक्सेस था, कोई सिक्योरिटी से पूछताछ नहीं थी, वो 27 बार इनके घर पर मिलने के लिए कांग्रेस सरकार ने लंदन की बैंक से उसके 100 करोड़ विड्रॉ करने के लिए NOC देकर अपने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लंदन भेजा और उसके 100 करोड़ रुपए उसको मुक्त कर दिए। इसका कारण क्या है? क्या सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह जी इसका जवाब दे सकते हैं? अब उसके ऊपर रेड अलर्ट है, इंटरपोल को बताया गया है कॉटरेची भाग गया,
पर कॉटरोची की केस विड्रॉ करने की कोशिश क्यों हुई? बहनों और भाइयों, 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी यहां हुई, यहां विकास था, यहां एक विकास का केंद्र था, पर आज 63 साल में कुछ नहीं दिख रहा है। बहनों और भाइयों, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, विकास करने के लिए दृष्टि की जरूरत है, विकास करने के लिए विजन की जरूरत है। यू कैन डोनेट आई, बट यू कैनॉट डोनेट विजन।